भारत समाचार। नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीव्रत दीक्षित। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की पिटाई का मामला, इसमें अवधेश सिंह पुष्पा सिंह को बीजेपी से निष्कासित किया गया है। आपको बता दें कि अनिल यादव और ज्योति शुक्ला पार्टी से निष्कासित की गई हैं। तो वहीं महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने जानकारी दी है, विधायक योगेश वर्मा इंसाफ के लिए स्पीकर से मिलने के लिए पहुंचे थे। और आपको बता दें कि अवधेश और पुष्पा सिंह पर अभी FIR नहीं हुई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि विधायक योगेश वर्मा इंसाफ के लिए स्पीकर से मिले थे और आज ही ये कार्रवाई हुई है। अवधेश और पुष्पा सिंह पर अभी FIR नहीं हुई है, फिलहाल पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की पिटाई के मामले में आपको बता दें कि अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह को बीजेपी से निकाल दिया गया है। अनिल यादव और ज्योति शुक्ला पर भी ये गाज गिरी है और पार्टी से निष्कासित किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की पिटाई करने वाले अवधेश सिंह और उनकी पत्नी पुष्पा सिंह, साथ ही साथ अनिल यादव और ज्योति शुक्ला को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने इनको पार्टी से निकालने की जानकारी दी है और आज स्पीकर से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और योगेश वर्मा पर थप्पड़ बरसाए थे अवधेश सिंह ने। तो देखिए, ये तस्वीरें आप सभी के सामने, एक लेटर जो पार्टी की तरफ से जारी किया गया है और ये दूसरी तस्वीर जो पिटाई की गई थी योगेश वर्मा की, अवधेश सिंह ने पिटाई की थी योगेश वर्मा की और थप्पड़ बरसाए थे और ये वीडियो भी वायरल हुआ था। संदीप खेर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संदीप, क्या अपडेट, जानकारी, ये कार्रवाई की गई है अवधेश सिंह और उनकी पत्नी पर और दो नाम और इसमें शामिल किए गए हैं, आज ही स्पीकर से मुलाकात, उसके बाद ये कार्रवाई? चलिए, शायद संपर्क टूट चुका है संदीप से। तो देखिए, बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की पिटाई